सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और आज मैं आया हूँ करोल बाग नाई वाला बाइक मार्केट। तो यहाँ पे जो बाइक्स हैं काफ़ी अच्छे रेट में, काफ़ी अच्छी बढ़िया रेट में बाइक मिलती हैं। शॉप का जो नाम है मैट्री मोटर्स है। बाकी यहाँ पे कैसी कैसी बाइक्स है वो मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाऊंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहें, कैसी कैसी बाइक होने वाली है, काफ़ी अच्छी बाइक होने वाली है और काफ़ी सस्ती बाइक होने वाली है। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहें, तो शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, जो बाइक होने वाली है वो ये बाइक होने वाली है। जो हमको बाइक दिखाने वाले हैं वो उनसे आपको मैं मिलवा देता हूँ। तो ये भाई होने वाले, क्या भाई आपका नाम क्या है? जसवंत नाम है भैया का, और मैट्री मोटर पे है। तो शॉप का जो नाम है वो मैट्री मोटर्स नाम है, जो कि करोल बाग नाई वाला मार्केट है। तो 35 नंबर गली में दुकान है। तो आप बाइक देखने आइए दोस्तों, आओ भाई। तो भाई, जो हमारी बाइक पहली होने वाली KTM RC 125 CC में। तो भाई, इसके बारे में 2022 मॉडल है और 2500 किलोमीटर चली है। तो भाई 2022 मॉडल है और भाई का जो डिमांड है 185 है। और भाई, इसका शोरूम प्राइस क्या है? तो भाई का जो शोरूम प्राइस है 230। ओके भाई, कितनी चली हुई है? 3200 किलोमीटर बाइक चली हुई है। तो कंडीशन आप लोग देख रहे होंगे बाइक की, क्या कंडीशन है, बिल्कुल A1 कंडीशन होने वाली है। तो हमारी जो दूसरी अगली बाइक है वो भी RC है, राइट? ये RC 200 है, 2021 मॉडल है, 5200 किलोमीटर चलिए। ऑरेंज कलर है, जो कस्टमर को पसंद होता है ऑरेंज ब्लैक कलर। और इसका भी डिमांड है मेरा 190। तो इस बाइक का जो डिमांड है 190। भाई शोरूम प्राइस क्या है इसका? 2.5 लाख रुपये। 2.5 लाख रुपये शोरूम प्राइस है। बाकी आप बाइक की कंडीशन तो आप लोग देख ही रहे होंगे क्या कंडीशन है। तो हमारी जो अगली बाइक होने वाली है वो होने RC 200 है, पूरी फुल ब्लैक कलर है। फुल ब्लैक कलर RC, कितनी सीसी भाई? ये भी 200 CC और 3100 किलोमीटर चल रहा है। 3100 किलोमीटर चली हुई है। बाकी आप बाइक के टायर वगैरह सब देख रहे हैं। बाइक का क्या प्राइस होने वाला भाई? इसका भी मेरा सेम प्राइस है, 190। तो बाइक का जो प्राइस होने वाला है 1,90,000। और ये 3200 किलोमीटर बाइक चली हुई है। बाकी आप लोग बाइक की कंडीशन देख रहे होंगे, बिल्कुल A1 कंडीशन है। कितना चली हुई भाई? 3200। हाँ, 3100। ओके, तो जो हमारी बाइक अगली होने वाली है वो भी, ये भी 3300 किलोमीटर चली है और 125 सीसी 3300 किलोमीटर चली हुई है। और इसका क्या प्राइस है भाई? इसका भी डिमांड है मेरा 175। 1,75,000। इसका शोरूम प्राइस क्या है? वही 230। 230। ओके, तो बाकी इस गाड़ी की भी जो कंडीशन आप लोग देख ही रहे होंगे कितनी A1 कंडीशन है। तो जो हमारी अगली बाइक होने वाली है R15M, तो इसकी जो कंडीशन है आप लोग देख लीजिए। बाकी क्या मॉडल है भाई बाइक का? ये भी 2022 मॉडल है और 300 किलोमीटर चली है। DIP नंबर है और गाड़ी की कंडीशन देख लो। गाड़ी की कंडीशन आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, बिल्कुल A1 है। बाकी अलॉय व्हील भी आप देख रहे होंगे, कितने सेक्सी अलॉय व्हील है। तो इसका क्या प्राइस होने वाला भाई? इसका मेरा डिमांड है 2,05,000 रुपये। 2,05,000। भाई शोरूम क्या प्राइस है? 2,28,000 इसका शोरूम प्राइस है। बाकी कंडीशन एकदम A1 है, मैट्री मोटर्स की यही खास बात है। तो आते हैं अगली बाइक पर। अगली बाइक जो आपकी होने वाली है अपाचे RR 310 TVS की। 2021 मॉडल है, 4400 किलोमीटर चली। 2021 मॉडल 4400 किलोमीटर चली हुई है। इसका क्या डिमांड है भाई? इसका डिमांड है मेरा 2,55,000 रुपये। 2,55,000 भाई का डिमांड है। और शोरूम क्या प्राइस है भाई? 3,10,000। 3,10,000 रुपये इसका शोरूम प्राइस है। तो बाकी कंडीशन आप लोग देख ही रहे हैं दोस्तों, कंडीशन एकदम जेन्युइन है। और कलर इसका काफ़ी प्यारा है, RR 310, कोई डेंट नहीं, कोई स्क्रैच नहीं। तो बाकी हम चलते हैं अगली, हमारी अगली जो बाइक है वो कावासाकी रेसिंग बाइक होने वाली है, निंजा 310 300। 2022 मॉडल है और 6,000 किलोमीटर चली है। और गाड़ी की कंडीशन देख लो, और इसका डिमांड है मेरा 3,15,000। तो 3,15,000 इसका डिमांड है। और इसका शोरूम प्राइस क्या है भाई? 4,00,000 रुपये। 4,00,000 रुपये चलिए। कितना बताया? 6,000 किलोमीटर। 6,000 किलोमीटर बाइक चलिए। बाकी कलर जो इसका है, बाकी आप लोग देख ही रहे होंगे, और कंडीशन इसकी, और इसमें जो आप लोग देख रहे हैं एसेसरीज ऑलरेडी इसमें लगी हुई है, कुछ भी आपको लगवाना नहीं है। बाकी कंडीशन भी एक बार, बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन है। तो हमारी जो अगली बाइक है वो है डोमिनार 400 D 400। तो इसके बारे में बताइए भाई। ये भी 2019 मॉडल है, 5500 किलोमीटर चलिए, 5,000 के आसपास। तो गाड़ी की कंडीशन देख लो, चाइना का सामान लगा हुआ 15,000 का। और इसमें मेरे पास 2021 भी है और ये 19 है। इसका डिमांड है मेरा 1,65,000 इसका भाई का डिमांड है। और इसका जो शोरूम प्राइस है? शोरूम प्राइस 2,60,000 रुपये। 2,60,000, लगभग 5,000 किलोमीटर चली हुई है।
गाड़ी की कंडीशन दिखा दो, स्टिकर कंपनी के नहीं छूटे अभी तक तो आपको बाइक में सारे एसेसरीज लगे हुए मिल रहे हैं भाइयों, देखिए वरना अदरवाइज आपको अलग से लगवाए तो इसमें पूरे 15,000 आपने लगा, 15,000 के इसमें ऑलरेडी एसेसरीज लगा हुआ है। तो ये बाइक भी काफ़ी A1 होने वाली है। हमारी जो अगली बाइक है वो है KTM ड्यूक 250 cc। ये भी 2022 मॉडल है और 3,000 किलोमीटर के आसपास चली है, बड़ी VIP नंबर है उसका। डिमांड है मेरा 2,45,000। 2,45,000 रुपये भाई का डिमांड है, बाकी इसका शोरूम प्राइस क्या है? इसका शोरूम प्राइस है 2,85,000। 2,85,000। बाकी आप लोग कंडीशन तो दोस्तों देख रहे होंगे, 2022 मॉडल है, बिल्कुल A1 कंडीशन है, टायर भी आप लोग देख सकते हैं। तो आते हैं अगली बाइक पे जो कि है R15 वर्जन 3। तो भाई क्या मॉडल है? 2019 मॉडल है। ओके, ABS वाली है और 15,000 किलोमीटर चली है, सिंगल ओनर बाइक है और कुछ सामान भी लगा रखा कस्टमर ने और इसका डिमांड है मेरा 1,30,000 रुपये भाई का डिमांड है। बाकी आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल मॉडिफाई बाइक है, स्टिकर वगैरह और जो देख रहे हैं आप लोग भाई। 1,30,000 रुपये का डिमांड है, शोरूम प्राइस क्या है? अब तो बंद हो गया मॉडल तो 2,10,000 रुपये का इस समय। ओके, जब इसका डिमांड था तो 1,90,000। ओके, तो हमारी जो अब अगली बाइक होने जा रही है वो है ड्यूक KTM की। ये कितना है? 350 cc, 350 cc। ये 390 cc। सबसे रेसिंग KTM है और ये 2020 मॉडल है। गाड़ी की कंडीशन देख लो, सामान इसमें भी लगा थोड़ा बहुत। तो सारे एसेसरीज आपको इसमें लगे मिल रहे हैं दोस्तों। इसमें भी आपको 2020 मॉडल है। क्या डिमांड है भाई इसका? इसका भी डिमांड है मेरा 2,35,000। 2,35,000 भाई का डिमांड है। और कितनी चली हुई है? ये चलिए 17,000। 17 से सिर्फ 18,000 भाइयों की बाइक चली हुई है, बाकी सारे एसेसरीज इसमें लगे हुए हैं। इसमें भी मोस्टली कुछ आपको करवाना नहीं है, बाकी आइए आप सीधा लेके जाइए। तो हमारी जो अगली बाइक है वो है MT15 यामाहा। 21 मॉडल है और 4700 किलोमीटर चली है। 4700 किलोमीटर चली है। 2021 मॉडल है। ओके, 1,45,000 में ये आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो इसका शोरूम प्राइस क्या है भाई? इसका शोरूम प्राइस 2,00,000 रुपये है इसकी, बाकी निगोशिएबल। ओके, बाकी अगर आप यहाँ आते हैं बाकी निगोशिएशन होगा, आप निश्चिंत रहें इस चीज़ के लिए। और तो कितनी चली है भाई ये? 4700 किलोमीटर ये चली हुई है। अगली बाइक सेम वर्जन 3 होने वाला है R15 का। किलोमीटर चली हुई है, सिंगल सीट है और 2022 मॉडल। इसका क्या प्राइस होने वाला भाई? इसका डिमांड है मेरा 1,75,000 इसका डिमांड है। क्या शोरूम प्राइस है? 2,10,000। तो हमारी जो अगली बाइक होने वाली है काफ़ी ज़्यादा सेक्सी बाइक है, FZX। आप लोग देख रहे होंगे कंडीशन इसकी, काफ़ी जेन्युइन कंडीशन है भाई। इसका क्या प्राइस होने वाला है? इसका भी डिमांड है मेरा 10 और 21 मॉडल है, दोनों ही सेम ही मॉडल है, सिर्फ अलग अलग मॉडल है, साल भी वही है, इंश्योरेंस भी है वही, और चली भी ज़्यादा नहीं है, 5,000 और 12,000 चली हुई है। ओके, तो इसका क्या प्राइस होने वाला है? दोनों में से कोई भी ले लो, 1,10,000 मांग रहा है। 1,10,000 ये FZX ले लो या फिर FZ5S। ओके, तो हमारी जो अगली बाइक है वो है KTM ड्यूक 200 मॉडल है। 1,70,000 डिमांड है भाई का, बाकी शोरूम प्राइस क्या है और कितनी चली है? 2,35,000 चली हुई। कितनी है भाई? 8,000। 8,000 चली हुई है, बाकी कंडीशन आप लोग देख ही रहे हैं। तो अगली जो बाइक है हमारी वो है सुजुकी जिप्सर। ये भी 2020 मॉडल है और गाड़ी की कंडीशन देख लो, ब्लैक कलर है, 3900 किलोमीटर चली है और इसका भी डिमांड है मेरा 1,10,000। 1,10,000 रुपये 2020 मॉडल। ओके, तो जितनी भी आपको मैंने बाइक दिखाई हैं सारी एकदम जेन्युइन कंडीशन है, क्योंकि मैट्री मोटर्स की खासियत यही है, जो भी बाइक है बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन, बिल्कुल A1 कंडीशन में बाइक मिलती है यहाँ पर आपको। और आप अगर यहाँ पर आते हैं प्राइस का भी निगोशिएशन हो जाएगा। बाकी भाई फाइनेंस का क्या है? फाइनेंस भी होती है, दिल्ली की आईडी होनी चाहिए। हाँ जी। ओके, तो फाइनेंस करने के लिए कितना डाउन पेमेंट देना होता है? कम से कम अगर 2,00,000 रुपये 1,50,000 की बाइक है तो उसमें 50-60,000 रुपये आपको देना है। तो आपको कम से कम 50-60,000 रुपये यहाँ पे आपको डाउन पेमेंट करनी होती है। बाकी और
दिल्ली के अलावा कार्ड भी आप करते हो? करते हैं, मगर दिल्ली का आधार कार्ड रहेगा तो। अच्छा, अगर कोई बंदा कहीं बाहर से आता है, जैसे किसी अदर स्टेट से आता है, लेना पड़ेगा? तो आप बाइक को कोरियर भी करते हैं? हाँ, कोरियर भी हो जाती है। ओके, तो बाइक यहाँ पे कोरियर भी की जाती है अगर आप लेना चाहते हैं तो। बाइक का जो दुकान है वो है मैट्री मोटर, जो कि करोल बाग में नाई वाला मार्केट है। तो ये है यहाँ की सारी बाइक्स जैसे कि मैंने आपको दिखाया। तो दोस्तों, जो आपने अभी बाइक्स देखी, ये मैट्री मोटर्स की बाइक्स है जो कि करोल बाग में नाई वाला मार्केट है यहाँ पे। तो भाई एड्रेस मैं आपको बताता हूँ, करोल बाग नाई वाला में पड़ेगा, ठीक है, और नियर बाय मेट्रो स्टेशन पड़ेगा आपको करोल बाग, ठीक है। आ सकते हो, वहाँ से ई रिक्शा वगैरह करके आ सकते हो। बाकी आपको मस्त मस्त बाइक मिलने वाले हैं। बाकी राहुल भाई वीडियो के एंड करें कर दो भाई। तो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में और अच्छे वाले ब्लॉग में, और आप डिमांड करिए और आप किस चीज़ की वीडियो देखना चाहते हैं ताकि हम। और भाई को सपोर्ट करो यार, सब्सक्राइब करो दबाकर जाकर, एंड लाल बटन इसका दबाना, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, और ऐसे ऐसे वीडियो आपको राहुल भाई लाते रहेगा, और बहुत कुछ लाने वाला है न्यू वीडियो। तो सपोर्ट करो भाई को, वीडियो आएंगे मस्त मस्त। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, थैंक यू दोस्तों।